दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा प्रश्न है 45वां प्रश्न, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 क्या है। दोस्तों बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो हमारा प्रश्नों का सीरीज चल रहा था उसे मैंने पिछले कुछ दिनों से बंद किया हुआ था, तो आप लोगों के डिमांड पर यह पुनः शुरू किया जा रहा है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चे में था। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 क्या है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और हो सकता है यहाँ से आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन बिल 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे 24 जुलाई को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया था। यह बिल गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 में संशोधन करता है। यह एक्ट आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुराने एक्ट में कुछ बदलाव करता है ताकि भारत के खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन बिल 2019 व्यक्तियों और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों और अन्य संबंधित मामलों से निपटने के लिए इस कानून को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मेरा तबीयत 2-3 दिन से ख़राब था जिस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे इस अधिनियम का विस्तार और अनुप्रयोग क्या है। तो दोस्तों यह कानून पूरे देश में लागू होगा और UAPA के तहत आरोपित कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक इस अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही अपराध किसी भी जगह पर किया गया हो। इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि कोई पानी का जहाज और एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो उन पर यह कानून लागू होता है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों गैर कानूनी गतिविधि में व्यक्ति या संघ द्वारा किए गए निम्न कार्यों गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे कि शब्दों के द्वारा, लिखित कार्यों के द्वारा, संकेतों द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने या तोड़ने का कोई भी प्रयास। तो यहाँ पे है गैर कानूनी गतिविधि में व्यक्ति संघ द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों गतिविधियों को शामिल किया है, ये सारे है जिसे आपको ध्यान रखना है। आगे है, इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करती है अगर वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है या फिर आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। तो इन कार्यों में अगर कोई कार्य किसी संगठन द्वारा किया जाता है तो केंद्र सरकार इसे आतंकवादी घोषित कर सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अपना आंसर में ये सारी चीज़ों को आप शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यह बिल सरकार को अधिकार देता है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। यह अधिनियम भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से के कब्जे या संघ से भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के अलगाव को भी प्रतिबंधित करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों का समूह भारत के किसी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है या उसको भारत से अलग करने की भी कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई इसी एक्ट के प्रावधान के तहत की जाएगी, जैसे सिखों द्वारा खालिस्तान की मांग और मुसलमानों द्वारा सिमी का गठन आदि। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। राष्ट्रीय एकता परिषद संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम 1963 ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत लागू हो सकते हैं, पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार, और फिर तीसरा है एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्रीय एकता परिषद जो इसका 16वां संशोधन हुआ था 1963 के 63 में, तो ये सारे अधिकार दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में क्या परिवर्तन किया गया है 2019 में। ये चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न केवल NIA अधिनियम 2008 को बदल दिया बल्कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को भी बदल दिया है। लोकसभा ने NIA संशोधन अधिनियम 2019 को 15 जुलाई 2019 को पारित किया और राज्यसभा ने इसे 17 जुलाई 2019 को पारित किया था।
गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन एनआईए को एक यह अधिकार देगा कि वह व्यक्ति को केवल आतंकी या आतंकियों से संबंध रखने की आशंका में गिरफ्तार कर ले। और वर्तमान में केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, लेकिन यूएपीए 1967 में बदलाव के बाद एक व्यक्ति को भी संदिग्ध आतंकवादी भी कहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में शामिल करेंगे और फिर आगे लिखेंगे। इस अधिनियम के लिखित उपयुक्त प्रावधान से पता चलता है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 पहले से ही एक बहुत ही सख्त कानून था, लेकिन हाल के बदलावों ने इसे और भी सख्त बना दिया है। इन हालिया बदलावों के मद्देनज़र विपक्षी दलों के नेता चिंतित हैं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग करेगी, जैसा कि हमने आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के मामले में देखा था। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार इस कानून का प्रयोग अपने विरोधी लोगों और संस्थाओं की आवाज़ को दबाने के लिए कर सकती है, क्योंकि इसमें संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसीलिए यह मामला बहुत ही संजीदा हो जाता है। अतः सरकार को इस मामले पर सूझबूझ से काम लेना होगा, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। हमें उम्मीद है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा प्रश्न था, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 क्या है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप इसका नोट्स जरूर तैयार करें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, या फिर मेरा फेसबुक का भी पेज है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।